ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की बात करें तो बहुत सारे सवाल हमारे पास स्टूडेंट्स के फंड्स को लेकर, तो आज हम थोड़ा कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स जो है ज़रूर समझ सकें कि उनकी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली, प्रोफेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली आपको किस तरह से तैयारी रखनी चाहिए फंड्स को लेकर, चाहे कि हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जिनकी एग्रीकल्चर इनकम है या जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है या किसी के पेरेंट्स जो है प्राइवेट जॉब करते हैं, तो किस तरह से आपको पूरा सही ढंग से अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है, किन किन फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है, इसी पर पूरी आज की वीडियो रहेगी। पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, बहुत ही खास वीडियो रहने वाली है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो से जुड़े हैं, आपके कोई फ्रेंड्स जो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या प्रोसीजर शुरू कर चुके हैं, तो उनको भी ये जरूर वीडियो जो है शेयर कीजिए ताकि कहीं भी वो भी गलती ना कर जाए। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और डिटेल में ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे नेविगेटर्स ओवरसीज से वीजा एक्सपर्ट मिसेस वीना गोयल मैम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार। तो मैम, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बात की ही है फंड्स को लेकर या उनसे जुड़े डॉक्यूमेंट्स को लेकर, अक्सर जो है कन्फ्यूजन्स रहती हैं और ये कन्फ्यूजन ही बाद में अगर जब गलती बन जाए तो रिफ्यूज़ल का रीज़न बन जाती है। तो मैम ज़रूर थोड़ा कैटेगरी वाइज आज स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को ये आप ज़रूर बताइए कि अपनी प्रोफेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली किस तरह से हमें अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए पहले ही, ताकि पूरे टाइम पर आकर जो है इट्स हौच पौच ना हो जाए और ये लगे कि ये डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए ही नहीं, ये जानकारी तो हमारे पास थी ही नहीं। हरजोत, देखो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें, अगर पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और उनकी इनकम 7 लाख से ऊपर है, दोनों पेरेंट्स की, एक एक पेरेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में मैंने देखा है 60-70 हज़ार तो एक पेरेंट की सैलरी होती है जी। तो उनका केस बहुत अच्छा बनता है क्योंकि वो बिल्कुल सारे प्रूफ होते हैं, फॉर्म 16 होता है, इनकम टैक्स रिटर्न होती है, और अब क्योंकि सारा पैसा प्रॉपर उनका अकाउंट में आ रहा है तो 14-15 लाख उनकी जो है इनकम भी बन जाती है, फंड्स भी उनके पास रेडी होते हैं क्योंकि वो सर्विसमैन है, उनको सेविंग करने की आदत भी है और नेचुरल है कि वो अपनी कमाई का एक हिस्सा सेविंग करते भी हैं, तो वो बड़ा क्लियर केस होता है। अब उसके साथ बच्चे का जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो दोनों चीज़ें मैच करती हैं, बच्चा नॉन मेडिकल का है, मेडिकल का है या कॉमर्स का है, एंड परसेंटेज अच्छी है, गैप नहीं है ज़्यादा, या अगर बच्चे ने ग्रेजुएशन की हुई है और जॉब कर रहा है, उसकी भी अकाउंट में सैलरी आ रही है और उसके पास सारे प्रूफ हैं, तो ये केस हाई प्रायोरिटी पे जाएगा क्योंकि इसमें सारा कुछ जो एम्बेसी को चाहिए, जो यूनिवर्सिटी को चाहिए, वो सारा कुछ मिल रहा है। जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल। तो मैम, जैसे हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड की भी बात करते हैं तो क्या, क्योंकि इतना कई बार देखते हैं जिनकी खेतीबाड़ी का काम है वो कई चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, कई तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भर रहे होते, तो किन क्या आप देखते हैं मौजूदा, अगर हम बात करें कुछ प्रोफाइल्स या कुछ पेरेंट्स जब आपके पास आते हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रेडी ही नहीं किए होते जो बाद में मुश्किल बन जाती है? अच्छा, देखो जो अगर सिटी में रह रहे हैं पेरेंट्स तो मस्ट भी उनके पास इतनी एग्रीकल्चर लैंड वाला चक्कर नहीं होता क्योंकि वो जॉब वाले हैं, या तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब का मैंने बता ही दिया, ऐसे ही सेम प्राइवेट जॉब का है तो उनका भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पेरेंट्स रूरल बैकग्राउंड के हैं और बच्चा रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो उनके पास जो है वो एग्रीकल्चर लैंड के थ्रू ही पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है। अब हमें ये मैटर नहीं करता कि वो ITR भर रहे हैं कि नहीं भर रहे। पहले ये था कि ITR भरना ज़रूरी है, लेकिन अब वो एम्बेसी ने समझ लिया कि ITR तो इंडिया में कोई भी भर सकता है, तो इसलिए अब जितनी ज़मीन है उसका तहसीलदार से एक इनकम सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जो पहले करते थे ITR से पहले हम करते थे, अब सेम उस पर एम्बेसी फिर से आ गई है, तो हमें अब वो तहसीलदार से इनकम सर्टिफिकेट लेना पड़ता है बच्चे को। और मतलब उसमें जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि इनकम 12 लाख से ऊपर हम चाहते हैं, और दोनों पेरेंट्स की मिला के अगर इनकम 12 लाख से ऊपर आ जाती है और सेविंग 3 मंथ्स ओल्ड हैं और बल्क सेविंग अचानक ना डाल ली हूँ या फिर कोई लैंड सेल करके डाल ली हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, या फिर उन्होंने कोई लोन लिया हो, क्योंकि अब जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो
एग्रीकल्चर वालों को लोन इजीली देते हैं अगर उनकी लैंड 5 एकड़ से ऊपर है, तो या तो लोन ले लें वे या उनकी अपनी सेविंग हो और तहसीलदार से इनकम प्रूफ लिया हो उन्होंने, या प्रॉपर्टी सेल की हो जो कि प्रॉपर ऑनलाइन आनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें मैच करती हैं फिर वो बच्चा जो है एलिजिबल है। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ नहीं लेती हैं, तो वो लिमिटेड यूनिवर्सिटियाँ, मान लीजिए 40 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में, तो 40 में हो सकता है कि 10 या 15 यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ बच्चे की चॉइस नहीं चलेगी। वैसे भी आज के दिन ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट की चॉइस नहीं चलती है, आजकल जो है जहाँ उसको एडमिशन मिल जाए वहीं पे जाना पड़ता है। वो टाइम एक अलग था जब स्टूडेंट बहुत नखरे करता था, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वहाँ जाना है, तो वो सब नखरे अब ख़त्म हो गए हैं। अब तो जहाँ उनको एडमिशन मिलती है वहीं जाना पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स ज़रूर इन सभी बातों का ध्यान रखिए। देखिए जब फंड्स की बात होती है, इन डॉक्यूमेंट्स की बात होती है, तो ये तैयारी आपकी पहले ही होनी चाहिए ताकि पूरे टाइम पर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई रुकावट ना हो। और भी कोई सवाल हो आपके मन में तो ज़रूर जो नंबर डिस्प्ले है इस पर कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए और सही जानकारी के साथ ही अपना प्रोसेस जो है शुरू कीजिए। नेविगेटर्स ओवरसीज़ का ये नंबर डिस्प्ले है, इस पर आप कॉल करके पूरी डिटेल में जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर नेविगेटर्स ओवरसीज के चंडीगढ़ ऑफिस विजिट करें ताकि डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट के बाद सही ढंग से सही ऑप्शंस के साथ आपको गाइड किया जा सके और आप सही डिसीजन टाइमली जो है सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत थैंक्स मैम, ये फंड्स को लेकर, फंड्स के साथ जुड़े डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपने पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो के जरिए स्टूडेंट्स के साथ शेयर की है। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।